hello to all in this lecture uh, we are trying to understand the very important topic in c language and uh, this is called as a printf inside printf right so uh, various cases is possible so i will try to uh, answer all the cases in case of a printf inside printf right so let's uh, take a simple example तो यहाँ पे हम आपके पास एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू मैं आपको बेटर वे से समझा पाऊँ आपके पास राइट right? तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट uh, आपके पास क्या है कि देखो यहाँ पे आपके पास जैसे वाइडमेन uh, है ये आपके पास है परसेंटेज डी राइट तो हमने इसको बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज आउटर प्रिंट और दिस इज कॉल्ड एज ए इनर प्रिंटेफ ठीक है तो देखो पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकता है है ना पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि आउटर तो एक ही रहेगा आपके पास

अगर प्रिंट इन साइड आपके पास कॉम्पिटेटिव कोडिंग या फिर प्लेसमेंट में कहीं पे भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना आपके पास है ना दिस इज कॉल्ड एज राइट ठीक है कितने भी प्रिंट एफ रहे सेम आपके पास मेथड होगा लेफ्ट राइट ऑलवेज स्टार्ट द एग्जीक्यूशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमने क्या बोला एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होगा राइट टू लेफ्ट होगा ठीक है तो कितने भी प्रिंट एफ आपके पास हो ठीक है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूं दिस इज इंटायर प्रिंट एफ दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट ऑल इज वे स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये यह प्रिंट हो जाएगा आपके पास संजीव ये देखो आपके पास प्रिंट हो जाएगा संजीव ठीक है ये परसेंटेज डी का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है ठीक है इस संजीव में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपके पास है कितने हैं ये आप बताओ तीन और फोर सेवन तो संजीव और सेवन विल बी प्रिंटेड तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑप्शन बी और सी ऑलमोस्ट सेम है बट ऑप्शन सी में एस क्या है स्मॉल से स्टार्ट है ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो ये तो आपको पता चल गया आपके पास फर्स्ट केस हो गया आपके पास फर्स्ट केस ओके है अब सेकेंड केस में क्या है कि <coughs> मतलब कि प्रिंट एफ के अंदर दो प्रिंट एफ हो उस केस को कैसे सॉल्व करेंगे तीन प्रिंट एफ हो कैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फंडामेंटल आपके पास सेम रहेगा देखो यहाँ पे आपके पास देखो यहाँ पे एक मिनट देखो ये हमने आपके पास थ्री केस लिया है फर्स्ट केस आपके पास तो हमने बता दिया सेकेंड केस ये देखो ये आपके पास क्या आउटर प्रिंट एफ एंड दिस इज द इनर प्रिंट एफ आप देखो कितने आपके पास इनर प्रिंट एफ है दो है ना ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं आपके पास दिस इज द लेफ्ट दिस इज द राइट एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ठीक है अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट होगा आपके पास सचिन यहाँ पे लिख दिया हमने आपके पास सचिन ये देखो ये प्रिंट हो गया नेक्स्ट आपके पास संजीव यहाँ पे आपके पास ये संजीव प्रिंट हो गया ये उसके बाद आपके पास देखो ये जो परसेंटेज डी होगा ना ऑलवेज जो इसके एडजेसेंट होगा है ना ऑलवेज जो ये आपके पास क्या होगा एडजेसेंट होगा उसी का नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट होगा सेवन ऐसा क्यों देखो ऐसा क्यों अगर हमने तो जैसे बता दिया कि जो आपके पास एडजेसेंट वाला होगा आपके पास उसमें जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर वो आपके पास ऐसा इसलिए होता है देखो अगर मैं डेफ्थ की मैं बात करूं तो जो प्रिंट एफ होता है प्रिंट एफ इंटरनली है ना प्रिंट एफ इंटरनली आपके पास क्या करता है स्टैक के फॉर्मेट में आपके पास है ना डेटा को स्टोर करता है ठीक है तो यहाँ पे आप ये देखो आपके पास सबसे पहले ये सचिन स्टोर होगा उसके बाद क्या होगा आपके पास संजीव ठीक है उसके बाद संजीव में देखो ये स्टैक में आपने पढ़ा हुआ दिस इज टॉप तो स्टॉप में आपके पास कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है सेवन तो अगर नहीं भी पता है तो आप ये ध्यान रखो जो परसेंटेज डी के एडजस्टेंट आपके पास होगा वो अगर एक परसेंटेज डी रहेगा तो ये ध्यान रखना आपके पास ठीक है सेकेंड <coughs> आपके पास थर्ड केस क्या है देखो सेम हमने किया तीन प्रिंटेफ के साथ ठीक है तो अगेन आउटपुट क्या आएगा अनिमेस सचिन संजीव और अगेन सेवन तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा एनिमेश और सेवन अगेन यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हमने आपके पास केस नंबर फोर में कितने हमने किया आपके पास ये देखो फोर एफ लिया ठीक है तो सबसे पहले अमन प्रिंट होगा अनिमेस प्रिंट होगा सचिन प्रिंट होगा संजीव होगा फिर सेवन आपके पास प्रिंट होगा तो लेट्स टेक वेरिफिकेशन ऑफ दिस कोड तो इसको हम वेरीफाई करते हैं आपके पास देखो यहाँ पे लेट्स टेक जूम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं देखो फर्स्ट यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आना चाहिए ये देखो संजीव सेवन यस आगे आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट हमने प्रिंट एफ किया सचिन तो देखो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए बताओ सचिन संजीव सेवन देखो आपके पास एक मिनट वन सेगेंड मे बी यस देर जे डबल कोर्ट्स इनसाइड द सचिन यस ठीक है तो यहाँ पे आप ये देखो आंसर क्या आएगा सचिन संजीव सेवन यस सचिन तो आप यहाँ पे देना चाहते हो तो स्पेस दे दो आप ठीक है तो देखो स्पेस में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर एट हो जाएगा ये ध्यान रखना आपके पास ठीक है तो इसको स्पेस मत दो यहाँ पे देखो तो क्या आएगा आपके पास ठीक है यहाँ पे थ्री दे दो कोई आपके पास फर्क नहीं पड़ता है ठीक है प्रिंट ए फ्लिट सपोज कोई भी नाम आप लिख दो अमन हमने दे दिया ठीक है तो आंसर आ जाएगा अमन सचिन संजीव सेवन ठीक है तो एक एक मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ ठीक है देखो जैसे ही हमें आंसर पता आंसर विल बी संजीव सेवन ठीक है लेट्स टेक जैसे हमने एक स्पेस यहाँ पे दिया तो आंसर क्या आएगा संजीव एट बिकॉज स्पेस इज ऑल्सो अ सिंगल कैरेक्टर राइट हमने यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे दिया तो संजीव क्या हो जाएगा नाइन ठीक है तो इसको भी हमें आपके पास ध्यान रखना है तो वी होप आपको ये प्रिंट इन साइड प्रिंटेफ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं सोचना है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दैट्स ऑल ठीक है अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा वो आपको uh, इसमें ट्राई करना है कमेंट्स करना है कि आपको यह चीज समझ आ रही दिया है तो आपको यहां पे देखो मैं आपको, एक बता यहां पे, देखो, आपको क्या प्रैक्टिस करना है में, में, कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है केस नंबर टू में आपके पास एक तो हमने परसेंटेज डी हमने बता दिया आपके पास ठीक है आपको क्या करना है दो परसेंटेज डी ट्राई करना है प्रिंटेफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी बाकी दो आपके पास ये जो इंटायर आपके पास जैसे हमने इसको एक्स ले लिया ये एक्स आप दो मतलब कुछ नहीं यहाँ पे एक परसेंटेज डी पुट, पुट करके आप बताओ आंसर क्या आएगा अगेन यहाँ पे कितने तीन है तो तीन बार परसेंटेज डी को पुट करके बताओ यहाँ पे चार है तो चार बार परसेंटेज डी करके बताओ ठीक है अगर ये भी हो जाता है ठीक है अगर ये भी आप कर लेते हो तो एक और इसका लास्ट लेवल आपके पास है वो आप प्रैक्टिस करो जैसे ये देखो देखो मैं ये बता रहा हूँ जैसे प्रिंटफ है परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी तीन आपके पास हो गया और मान लो यहाँ पे प्रिंट में जैसे कुछ भी आपके पास हो जैसे यहाँ पे प्रिंट ठीक है प्रिंट ठीक ये आपने दिया ठीक है तो ये तो आपके पास केस आप बना लोगे ठीक है एक इसमें कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है आप मुझे बताओ यही हो सकता है ना कि एक परसेंटेज डी रहे दो परसेंटेज डी रहे या तीन रहे ये हो सकता है ना आपके पास तो ये तो हमने कर लिया है ना एक बार आप ये केसेस और ये केसेस करके देखो देखो इसमें कुछ नहीं होगा जितना परसेंटेज डी होगा और जितना प्रिंट एफ होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना कॉरस्पॉन्डिंग जितने कैरेक्टर होगा वो है ना वो आपका प्रिंट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आपके पास ये ट्राई करना है कि अगर दो परसेंटेज डी रहे और तीन प्रिंट एफ रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट दो परसेंटेज डी रहे और तीन प्रिंट एफ रहे तो देख लेना एक में जीरो आपके पास आएगा रीजन आपको आप बताओ कमेंट करके रीज़न क्या होगा आपके पास ठीक है तो वी होप ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपके पास अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और थैंक यू थे।